नमस्कार दोस्तों। रोहतक एक परिवार, हंसता खेलता परिवार, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर अचानक से 27 अगस्त के दोपहर को उसके साथ क्या होता है कि 5 सदस्य में से 4 लोगों को ख़त्म कर दिया जाता है। इस पूरे मामले की सच्चाई बाहर निकल के आ रही है कि उस घर में रहने वाले शख्स ने ही अपनों को ख़त्म कर दिया, और जिस दिन अपने दूर जा रहे थे वो सामने ही खड़ा होकर देखता रहा और उसके बाद नौटंकी करता रहा। कई सारी चीज़ें निकल के आ रही है इस पूरे मामले को। आज की सच्ची घटना में आप जो जानेंगे, ये जानने के बाद आप सारे मामले आज तक के भूलने वाले हैं और आपका भरोसा भी उठने वाला है कई सारी चीज़ों में से। चलिए जानते हैं डिटेल में कि आखिरकार एक लड़के ने क्यों किया ये सब। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त की दोपहर को प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और बबलू पहलवान की सास, जिस घर में रहते थे वो विजयनगर इलाका पड़ता था, उस घर में 27 अगस्त की दोपहर को उनको ख़त्म कर दिया जाता है। सबको बारी बारी सबको ख़त्म करते हैं और उनका बेटा उस दिन मौजूद नहीं था। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर दबाव था कि दिन दहाड़े ये सब कैसे हो गया। अगर हम इससे थोड़ा पहले चलते हैं तो बताया ही जा रहा है कि 25-26 अगस्त को जो उनका बेटा अभिषेक मलिक था, जिसका नाम उर्फ बताया जा रहा है मोनू है, वो एक होटल में रुका था अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम बताया जा रहा है कार्तिक है, और वो नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला दोस्त था। ऐसी भी बातें बाहर आ रही हैं और पुलिस के स्टेटमेंट के द्वारा ये पता लगा है कि ये जो शख्स अभिषेक, ये प्यार के झांसे में फंस चुका था या फिर ये अपना जेंडर चेंज कराना चाहता था। कई सारी बातें निकल के आ रही है। ये 5 लाख की मांग भी कर रहा था परिवार से, बहुत सारी बातें ये भी निकल के आ रही हैं। पर कहा जा रहा है कि 25-26 को ये अपने दोस्त के साथ था, फिर ये बीच में चक्कर लगाने लग गया, परिवार के पास आने लग गया, पर कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण ये परिवार के साथ नहीं रह रहा था, आता जाता रहता था। जिसके बाद 27 अगस्त के दोपहर को ये घर आया और इसने बारी बारी सबको ख़त्म कर दिया, जो कि इस समय मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। बताया जा रहा है कि 27 अगस्त के दोपहर को ये शख्स घर आता है। अपने घर आने के बाद देखता है इसके जो पापा थे, इसके जो पिता थे, वो एक रूम में लेटे हुए हैं और जो इनकी मदर है वो किचन में है, इनकी जो बहन थी वो ऊपर वाले कमरे में सो रही थी, इनकी जो नानी थी वो भी नीचे वाले कमरे में थी। ये आकर अपने घर के कुछ गाने की वॉल्यूम को बढ़ाता है, फिर ऊपर जाता है इसकी जहाँ बहन सो रही थी, सीधा बहन के सर पर गोली चलाता है, जिसके बाद वो आवाज़ सुनकर उनकी नानी भी ऊपर आती है। नानी के आने की आवाज़ सुनने के बाद अभिषेक दरवाजे के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दरवाजे के पीछे छुपने के बाद जब नानी रूम में आती है तो नानी के ऊपर भी ये वही चीज़ें करता है, पर सीधा सिर पर वार करता है। फिर इसकी मम्मी खाने का पूछने भी आती है तो फिर ये अपनी मम्मी के साथ भी वही करता है, जिसके बाद ये नीचे जाता है और देखता है इसके पिता जो टीवी देख रहे हैं या रूम में बैठे थे। जब ये नीचे गया तो इसने बहुत ही आसानी से जो गन इसके हाथ में थी वो छुपाई, और जब देखा कि इसके पिता की नज़र इसके ऊपर नहीं है तो इसने उनके सिर पर भी सीधा गोली ताद दी। ये सब होने के बाद ये चाबी सब कमरे की लेकर बंद करके रूम चला गया अपने वही दोस्त के पास, और दोस्तों के पास जाने के बाद ये एक होटल में जाता है खाना खाने के लिए, जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, पर कहा जा रहा है कि ये खुद नहीं खाता, इसके दोस्त खा रहे होते हैं। जिसके बाद ये शख्स जो था, ये बोला जा रहा है कि ये अपने चाचा के घर जाता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के घर जाता है, जहाँ पर ये बताता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो हैं फ़ोन नहीं उठा रहे, ये फिर घर जाते हैं सब लोग, और घर जाने के बाद जब पता लगता है, ये मोहल्लों में जाता है अपने पड़ोसी से पूछता है कि मेरी मम्मी आई थी, मेरे ये आए थे, और जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो ये पुलिस को कॉल करते हैं सब लोग मिलकर। पुलिस को कॉल करने से पहले ये शख्स छत में भी चढ़कर कहा जा रहा है कि देखता है कि आखिरकार गेट क्यों नहीं खोला जा रहा, बहुत बड़ी प्लानिंग लग रही है। इसके बाद ये छत में चढ़ने के बाद कहा जा रहा है कि जब देखता है कि इस पूरे मामले में इसके परिवार जिस घर में रह रहे थे, ये उस घर के छत पर चढ़ता है और जब झांकता है घर के अंदर तो पता लगता है कि वहाँ से ब्लड बह रहा था, और ये देखने के बाद ये चिल्लाता है, पहले खड़ा रहता है फिर चिल्लाता है। जब पुलिस उस घर में आती है तो पुलिस के आने के बाद वो भी शौक थी ये सब कैसे हुआ। जब पुलिस उन सबके शरीर को पीएम के लिए भेजती है, पर उनकी सिस्टर जो थी वो उस समय होश में तो नहीं थी, पर फिर भी उनकी हालत नाजुक थी, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। पर कहा जा रहा है कि 29 अगस्त को उनकी सिस्टर भी साथ छोड़ जाती हैं, वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो ये मोनू था, जिसका नाम अभिषेक मलिक बताया जा रहा है, ये शख्स बहुत ज़्यादा रोता है परिवार के जाने के बाद। जो वहाँ की पुलिस थी वो लगातार इस पूरे मामले को तहकीकात कर रही थी, पुलिस को भी पता था, पूरा दबाव है पुलिस के ऊपर, अगर पुलिस जांच सही से ना करती तो लोग सड़कों पे आ जाते, पर पुलिस ने सब एंगल को तलाश किया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने परिवार से पूछताछ करी,
उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके जो लड़का था मोनू उससे भी पूछताछ करी, पर कहा जा रहा है कि शक धीरे धीरे पुलिस का तब बना जब 30 अगस्त को मोनू ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करा, पहले इसने 29 को पोस्ट करा, फिर इसने 30 को शायद पोस्ट करा, जहाँ पर पहले इसने अपनी फैमिली के लिए एक पोस्ट किया, फिर इसने जो इनकी 13वीं होती है या चौथा होता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, और 1 तारीख को पुलिस ने मोनू को भी अरेस्ट करा जो उनका बेटा था। क्यों? कहा जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक जो एसपी हैं रोहतक पुलिस के राहुल शर्मा, उन्होंने बताया इस पूरे मामले में उनको शक तब गया जब उसने इस पूरे मामले में स्टेटमेंट जो दिया, जो मोनू था स्टेटमेंट जब उसने दिया, जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी, तो ये पहले कहता है कि मैं होटल में खाना खाने गया, पुलिस ने तहकीकात करी तो पता लगा वहाँ पर होटल में खाना खाने ये आया ही नहीं था, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, पर पुलिस को शक तब गया जब पुलिस ने इसकी पूरी कॉल डिटेल्स निकाली, इसकी लोकेशन चेक करी, पर कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे शक तब गए जब पुलिस को ये पता लगा पिछले 1 महीने से ये शख्स इंटरनेट में क्या चीज़ें सर्च कर रहा था। ये भी बातें निकल के आ रही है सामने। कई लोगों का ये दावा है कि पिछले 1 महीने से जो मोनू है जिसका नाम अभिषेक मलिक है, ये जेंडर चेंज कैसे होता है ये सब चीज़ें सर्च कर रहा था। कई लोगों का ये भी दावा है कि इस पूरे मामले में जो अभिषेक है ये अपने परिवार से 5 लाख की डिमांड कर रहा था, और जब परिवार ने इसको मना करा तब उसके बाद ये सारी चीज़ें इसने करी हैं। कई लोगों का ये भी दावा है कि ये शख्स जो है ये गे है। कई लोगों ने भी दावा करा है कि ये जो शख्स है ये शख्स अपने एक दोस्त कार्तिक के साथ जो कि नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला है उसके साथ फॉरेन भी जाना चाहता था, शिफ्ट होना चाहता था अपना जेंडर चेंज करवाने के बाद। कई लोगों का ऐसा दावा निकल के आ रहा है जिसकी हम पुष्टि बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जांच चल रही है, और बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस को जब शक किया, पुलिस ने एक कड़े तौर पर इसको रिमांड पे लिया और पूछताछ करी अच्छे से, तो पता लगा कि ये शख्स ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया, और प्लान करने के मुताबिक ही इस शख्स ने पूरा षड्यंत्र रचा और 27 अगस्त को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद इसने बहुत ही अच्छी तरीके से नौटंकी करी, पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले में इस शख्स को अरेस्ट कर लिया है। इसमें कई सारे दावे निकल के आ रहे हैं, कई सारे एंगल निकल के आ रहे हैं, पर अब ये बड़ा दावा एक और निकल के आ रहा है जो कि बोला जा रहा है कि अभिषेक मलिक जो उर्फ मोनू है जो कि बबलू पहलवान का बेटा है जिसने ये सब किया है, उसका वकील निकल के सामने आ रहे हैं, और इनके वकील का दावा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो वकील अभी मिल के भी आए हैं लड़के से, और कहा जा रहा है कि लड़के का दावा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। पर जिस तरीके से पुलिस का स्टेटमेंट निकल के आया है, पुलिस का साफ कहना है कि उसने कबूल लिया है सब कुछ और ये सारा कुछ उसने ही किया है। तो देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में आगे फाइनल रिपोर्ट क्या निकल के आएगी। पर कई लोगों का दावा ये भी है कि इस पूरे मामले में अभिषेक मलिक ने ये सब इसलिए किया कि पिता ने प्रॉपर्टी ज़्यादा अपनी बेटी के नाम कर दी थी, बेटे के नाम कम करी थी। अब एक चीज़ समझ में आती, 20-22 साल के बच्चे को ये चीज़ें क्या इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कितनी है, मेरी बहन के नाम कितनी है? क्योंकि कई सारे लोगों का दावा भी निकल के आ रहा है कि इसके इंस्टाग्राम, इसके सोशल मीडिया से, इसके सर्च रिपोर्ट से कई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये शख्स जेंडर चेंज कराना चाहता था जो परिवार को पसंद नहीं था। कई सारी चीज़ें भी निकल के आ रही है। अगर ऐसा कुछ था तो मुझे लगता है कि सबकी पर्टिकुलर लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ है, तो सबको जो करना हो वो कर देना चाहिए। देखिए सबकी फीलिंग अलग है, सब इंसान अलग हैं। अब कई लोग ये नहीं चाहते कि उनका बेटा या फिर वो पर्सन जो उनके परिवार का हो, अगर उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग है तो उसको दबाई जाए, छुपाई जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा दबाने से, छुपाने से कोई चीज़ रुकेगी। जिसको जो करना है वो करने देना चाहिए, अगर वो सही काम कर रहा है तो। बट इस पूरे मामले में ऐसा ही दावे निकल के आ रहे हैं कि इस शख्स को, कई लोग ये भी बोल रहे हैं, कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जेंडर चेंज करने की बात है, कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं 5 लाख मांगे थे परिवार से, कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पारिवारिक इशू था। बहुत सारे दावे निकल के आ रहे हैं, पर ये शख्स अब दावा कर रहा है जो अभिषेक मलिक है कि मैंने ये सब नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। तो देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। पर दिल दहलाने वाली घटना निकल के आ रही है, पुलिस का फाइनल रिपोर्ट यही बता रही है कि इस पूरे मामले में इस लड़के ने परिवार के 4 सदस्य को बारी बारी से ख़त्म कर दिया और बहुत दूर भेज दिया। और कहा जा रहा है कि जिसमें इसके पिता, इसकी मदर और इसके जो सिस्टर थी और इसकी नानी मौजूद थी, जिनको ये ख़त्म कर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सच्ची घटना आपको बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट था ताकि आप सतर्क रहें। आज के टाइम पर भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता, मेरा तो बस यही मानना है। बाकी आप अपने कमेंट ज़रूर रख सकते हैं, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में। अगर अभिषेक के बारे में ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि ये शख्स अपना जेंडर चेंज करना चाहता था, तो क्या उससे करने देना चाहिए था?
सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा नहीं करने दिया गया इसलिए अभिषेक ने ये सब किया है, पर कहीं ना कहीं परिवार उसने गवा दिया, ख़त्म कर दिया या ख़त्म हो गया, जो भी सवाल हैं इनके जवाब बहुत जल्दी मिलेंगे, पर जिस तरीके से ये बातें निकल के आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। बताइएगा ज़रूर आपका क्या कहना है, उम्मीद करेंगे कि रोहतक पुलिस जल्द से जल्द पूरे मामले में कार्रवाई पूरी करें और जिसने ये सब किया है, जिस तरीके से अभी बातें निकल के आ रही है पहली रिपोर्ट में यही दिख रहा है कि इनके बेटे ने सब किया है, आपका क्या मानना है बताइएगा जरूर कमेंट से। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।